अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ था। अल्फ्रेड रसायन शास्त्री और इंजीनियर थे। उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड के पिता इमैनुअल नोबेल भी एक इंजीनियर तथा आविष्कारक थे। उनके पिता ने प्लाईवुड का आविष्कार किया था। आज हम नोबेल प्राइज को पीस, साइंस और लिटरेचर के लिए जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि अल्फ्रेड नोबेल को डायनामाइट के आविष्कार के लिए उस समय के सुप्रसिद्ध लेखों में मर्चेंट ऑफ डेथ यानी कि मौत का सौदागर तक कह दिया गया था। उन्हें जीवन भर इसकी ग्लानि थी और फिर इसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने नोबेल प्राइज का गठन किया ताकि लोग उनके बीते हुए समय को भूल सकें।